Hello students, I hope everybody is studying at home and doing fine. Everybody is well and studying all their subjects, listening to their parents. And please do study, because in this lockdown, if you don't do so, you will forget things. So today I'm going to read out chapter 2 from the English channel of class 4. The chapter's name is Elephant Feast. So let's get started. First of all, Elephant Feast, it's written by Suchanda Sarkar. Okay, she's a Bengali writer, and she has written this story, Elephant Feast. ठीक है, तो elephant आप लोग को मालूम है हाथी, feast मतलब जो दावत होता है, वहां भोजन. ठीक है, जब हम लोग बहुत सारे हम लोग का पार्टी होता है या फिर कोई ओकेशन होता है, तो त्यौहार होता है, तो सभी मिलके जब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, तो बहुत सारे खाना एक जगह पर रहते हैं. ठीक है, एक भोज होता है, एक दावत हम लोग देते हैं, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं. आज मैं रीडिंग पढ़ूंगा और जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको मैं बाद में कर दूंगा. कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो आपके बुक्स में हैं, तो आप लोग जब रीडिंग पढ़ रहे हैं घर में, जोर से पढ़िए, नंबर वन. नंबर टू, आप पास अपने पास एक पेंसिल और एक डिक्शनरी जरूर रखिएगा. ठीक है, इससे क्या है कि जब आप लोग रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो कोई वर्ड मीनिंग्स आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर ये मेरे समझ में नहीं आया, या फिर आपके बुक में वो वर्ड का मीनिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग डिक्शनरी से उसका मतलब, उसका मीनिंग देख सकते हैं, और तुरंत आप पेंसिल से वो मीनिंग, वर्ड मीनिंग लिख लीजिए. इससे क्या होगा, आपके जो वर्ड्स के स्टॉक हैं ये बढ़ता जाएगा. वर्ड स्टॉक बढ़ने से जब आप लोग फ्यूचर में इन द कमिंग क्लासेस और इन योर ग्रामर पार्ट, जब आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, या फिर कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को दिया जाएगा, तो वो वर्ड्स आपके रह जाएंगे. या फिर कहीं पर अगर मेक सेंटेंसेस दिया जाता है होमवर्क या फिर क्लास में क्लास वर्क, तो यू कैन यूज दोज वर्ड्स. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब रीडिंग पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक डिक्शनरी जरूर रखिए, और उससे पढ़ते पढ़ते जो भी मीनिंग आपको लगता है कि ये डाउट लग रहा है, या फिर ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, और वो बुक में नहीं है, तो आप लोग डिक्शनरी से वो वर्ड मीनिंग देखकर तुरंत पेंसिल से लिख लीजिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. रीडिंग बहुत जरूरी है, जब भी आप रीडिंग पढ़ रहे हैं तो जोर से पढ़िए. ठीक है, और जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सेंटेंसेस में, जैसे क्वेश्चन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उन्हें उसी ढंग से पढ़िए. ठीक है, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोग रीडर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं. सो एलिफेंट फीस्ट इज रिटन बाय सुचंदा सरकार. ठीक है, हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें लेखक या फिर लेखिका जो होते हैं, राइटर के नाम नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें है. तो लिखा है किसने एलिफेंट फीस्ट, सुचंदा सरकार ने. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. द चिल्ड्रन स्नगल अप टू ग्रैंडमा. द चिल्ड्रन स्नगल अप टू ग्रैंडमा मतलब वो अपने दादी के पास एकदम कोजी होकर बैठ गए. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे दूंगा. स्नगल्ड का मतलब है आराम से या फिर स्नेह से. ठीक है, आप अगर दादी के पास सोते हैं तो उसे जकड़ कर सोते हैं, उसके पास एकदम सट जाते हैं. ठीक है, वो स्नेह होता है, तब जाके दादी आपको स्टोरी सुनाती है. ऑलराइट, इट वॉज स्टोरी टाइम एंड ग्रैंडमा हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर. Tell us one of your forest stories, Grandma, said Ishan. तो एक बच्चा का क्या नाम है, ईशान. Yes, said Neil. The one about the tiger. ठीक है, और एक बच्चा का नाम क्या है, नील. ठीक है. No, tell us one of your elephant stories,
like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Were you very frightened, Grandma? Oh yes, I was. Well, I'll tell you an elephant story which will show you how intelligent these animals are. They are also very organized and caring creatures. तो दो बच्चे ईशान और नील अपने दादी माँ के पास एकदम सट कर सो गए, प्यार से प्यार भरा. वो क्यों सोए? क्योंकि कहानी सुनना था. दादी जो होते हैं उनके पास बहुत सारे स्टोरीज रहते हैं, बहुत सारे कहानी रहते हैं जो हम लोग सुनते सुनते सो जाते हैं, ठीक है. तो दादी ने पहले ही बहुत सारे स्टोरीज सुनाए हैं. उनमें से एक था शेर का और दूसरा था क्या कि हाथी का स्टोरी, जो अपने आप को रगड़ रहा था दीवार पर. तो दादी ने सोचा था कि भूकंप आ गया है, लेकिन वैसा नहीं है. हाथी लोग बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं और बहुत बड़ा जानवर होते हैं. तो अगर वो आपके घर में आके ऐसे सट जाते हैं या फिर धक्का देते हैं तो पूरा घर हिल जाएगा. इंसान को लगेगा कि अरे भाई भूकंप आ गया है, भागो, ठीक है. तो दादी माँ को भी ऐसे लगा था एक बार. तो दादी माँ ये सब सुनकर कहती है कि आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो ये दिखाएगा कि हाथी कितना चतुर होते हैं, क्लेवर होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर से भी ऊपर, ठीक है, अति बुद्धिमान जो है, काफी बुद्धिमान मतलब चतुर. ऑलराइट. दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रीचर्स. ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो संगठित होते हैं, जो काम जो करते हैं वो काफी प्लानिंग से करता है, ठीक है. हम लोग प्लानिंग वर्ड सुने हैं जब कहीं घूमने जाते हैं या फिर घर की सजावट हो रहा है तो घर में बैठ के हम लोग प्लान करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं या फिर आइडियाज को एक साथ लेके शेयर करते हैं, तो प्लानिंग होता है. वो प्लानिंग जब हम लोग काम के टाइम देते हैं तो वो काम ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है. तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्लानिंग, प्लान. एंड कैरिंग क्रीचर्स, कैरिंग क्रीचर्स क्या होता है, वो लोग अपने जो झुंड होता है एक दूसरे के लिए वो लोग सोचते हैं, केयर करते हैं, ठीक है. तो कैरिंग क्रीचर्स. अब स्टोरी शुरू हो रहा है. लॉन्ग अगो व्हेन योर ग्रैंडपा वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर ही वाज सेंट टू बेंगलुबी. ऑलराइट. सो एक जगह का नाम है बेंगलुबी. इट इज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस. तो एक जगह है बेंगलुबी. कहाँ है वो? सिलीगुड़ी में, ठीक है, नियर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के आसपास है. अब दिखा रहा हूं, ये है बेंगलुबी, यहां पर जंगल है, ठीक है. बेंगलुबी कहां है? नियर सिलीगुड़ी. ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है. कहां पर? वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के उत्तर भाग में है, ठीक है. तो जगह का नाम है बेंगलुबी. कहां है वो? नियर सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर ही बेंगलुबी है, जहां पर जंगल है. और ये है कहां? वेस्ट बंगाल में, ठीक है. वेस्ट बंगाल स्टेट का नाम है. ऑलराइट. तो दादाजी का पोस्टिंग तब बेंगलुबी में था, जो सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर था. वो फॉरेस्ट ऑफिसर था तब के टाइम पे. फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब जो जंगल का देखरेख करते हैं, ठीक है. तो उनके ऑफिसर था वो. उनका पोस्टिंग बेंगलुबी में था, जो कि सिलीगुड़ी के आसपास था. और ये सिलीगुड़ी और ये बेंगलुबी है कौन सा राज्य में? वेस्ट बंगाल में, ठीक है. ये जगह जो है फुटहिल्स ऑफ हिमालयस है. फुटहिल्स क्या होते हैं? जब पहाड़ जो आते हैं, समतल जो होता है, मतलब प्लेन्स जो होते हैं,
जो जगह पर पहाड़ आकर मिलता है समतल भूमि से, वो जगह को हम लोग फुटहिल्स कहते हैं। पहाड़ के जो पैर होते हैं, जैसे हम लोगों का पैर जमीन में टिकता है, वैसे ही पहाड़ भी आकर समतल भूमि में, प्लेन्स में टेकता है। तो वो जगह जहां पर पहाड़ आकर मिलता है प्लेन जगह से, वो हम लोग कहते हैं फुटहिल्स। दिस एरिया इज नोन एज द डुअर्स। डुअर्स एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया है, ठीक है, बहुत घने जंगल है डुअर्स में। जैसे हम लोग का यहां जंगल है ये रणथंभौर, वैसे ही डुअर्स एक जंगल का नाम है, एक जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधा, बहुत सारे पशु और पक्षियां रहते हैं। डुअर्स का मतलब क्या है? डोर टू द माउंटेन्स। तो वो जगह का नाम जहां पर ये जंगल है, वो एरिया का नाम है डुअर्स, और डुअर्स का मतलब डोर टू द माउंटेन्स। वही रास्ता है, वही दरवाजा है जहां से शुरू होता है पहाड़, ठीक है। He was sent there to check out what the people living there called the elephant menace. तो क्यों भेजा गया तालाजी को? क्योंकि एक खबर आ रहा था कि हाथी जो है वो एरिया में, डुअर्स में, वो काफी खतरा बन चुका है वहां का इंसान के लिए, ठीक है, वहां रहने वाले जितने भी इंसान थे, गांव थे, उनके लिए खतरा बन चुका था ये हाथी। तो दादाजी जबकि वो टाइम पे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उसको वो पोस्टिंग में भेजा गया बेंगडूबी में, डुअर्स इलाका में, कि देखो भाई क्या हो रहा है वहां, क्यों जो गांव वाले हैं कंप्लेन कर रहा है कि हाथी लोग खतरा बन चुका है। व्हाट दिस मेंट वाज दैट वाइल्ड एलिफेंट्स वेर वंडरिंग इनटू राइस फील्ड्स एंड ईटिंग अप द क्रॉप्स एट नाइट। तो खबर ये था, मिनेस मतलब खतरा, कैसे खतरा, हाथी लोग रात को आकर जो चावल के जो राइस फील्ड्स हैं, चावल के जो फील्ड्स हैं, जो खेत है वहां पर आकर सभी जो शस्य है, वो जो अनाज है, उनको खत्म कर रहा था और खा रहा था, रात पर रात खा रहा। हाथी बहुत खा सकता है, तो उनके लिए ये जो चावल के खेत है, ये सब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, वो लोग एक रात में पूरा खेत खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बहुत खाता है हाथी। द नाइट गार्ड्स ट्राइड टू स्केयर ऑफ द हंग्री बीस्ट्स, बट द एलिफेंट्स वेयर नॉट सो इजीली फ्राइटेंड। तो नाइट गार्ड्स रहते हैं, मतलब वो लोग प्रहरी होते हैं, वो गार्ड देते हैं रात को, ये सब चावल के खेत, बाकी जो सारे खेत है, घर बार, ये सब गार्ड्स देते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि रात में हाथी आ रहा है, ठीक है, एक झुंड बनाकर, और ये खेतों को नष्ट कर रहा है, तो वो लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाथी बहुत चालाक होते हैं और वो इतने आसानी से डरने वाला नहीं था। योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस। तो जो दादाजी थे वो, उसका पोस्टिंग हो गया वहां पर, और वो एक दिन इंस्पेक्ट द प्लेस, मतलब वो गया देखने के लिए, ठीक है, जगह का जो क्या कहेंगे, जो मुआयना होता है, ठीक है, देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। He found that a large part of the forest had been cut down. Only a very narrow stretch of the old forest area remained. And the elephants lived there. Elephants need a big place to live and also a lot of food. The people had taken these away. How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? तो बात यह है कि इंसान जो है वो अपने रहने के जगह बढ़ाने के लिए ये हाथियों का जो जंगल है ये काटते हैं, इतना काट देते हैं कि वो जगह, जो हाथी एक बहुत बड़ा प्राणी है, ठीक है, बहुत बड़ा जानवर है, तो उनको भी, वो जानवर को रहने के लिए बहुत सारे जगह चाहिए। तो अगर इंसान उनके घर को नष्ट कर देते हैं, जंगल काट देते हैं, तो हाथी रहेंगे कहां? आप ही सोचो, अगर आपके घर कोई बुलडोजर आके तोड़ देता, ठीक
ठीक है, आपके घर चला गया, छत चला गया, रहने के लिए जगह नहीं, खाना वाना सब नष्ट हो गया, तब रहेंगे कहां, अब खाएंगे क्या। तो वैसे ही हाथियों का साथ भी सेम चीज हुआ था। इंसान अपने खेती बाड़ी के लिए, अपने घर के लिए हाथियों का जो जंगल था वो सब खत्म कर रहे थे, काट रहे थे। बहुत बड़ा जंगल में से एक छोटा सा जगह बचा हुआ था जहां पर सारे हाथी रह रहे थे, ठीक है। अब उनको खाने के लिए जगह नहीं, तो क्या करेंगे, इंसान जो खाना रखता है वो आकर उसी को खाने की कोशिश करते हैं, उनको भी तो खाना चाहिए जिंदा के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो बात ऐसा है, वेरी बैड ऑफ कोर्स सेड नील, तो नील के ये, नील को ये बात अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। वेल द वाइल्ड एलिफेंट्स kept getting hungrier and hungrier and they also became angry. Once they even chased a man down to the forest road and broke a wall of a house in search of food for their little ones. तो हर जो प्राणी ये दुनिया में जिंदा है, ठीक है, जब माँ और पापा बन जाते हैं, मम्मी और पापा बन जाते हैं बच्चे के लिए, तो मम्मी और पापा के बस एक ही ध्यान रहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भूखा ना रहे। भले ही मम्मी पापा भूखा रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चे को कभी वो भूखा नहीं रख सकते हैं। उनके लिए वो कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोई भी हद वो पार कर सकते हैं, ठीक है। तो जानवर जो है वो भी सेम है, वो हम लोग की तरह नौकरी नहीं करते हैं लेकिन वो खाना जुगाड़ करके लाते हैं ताकि बच्चे का पेट भर सके। तो ऐसे ही बात हुआ है कि इंसान जंगल काट दिया है, बहुत कम जंगल अभी बाकी है, तो हाथियों का जो भूख है वो बढ़ता गया। वो बहुत बड़ा जानवर है तो उनको बहुत सारे खाना चाहिए एक दिन के पेट भरने के लिए, तो वो नहीं मिल रहा था। अभी हाथियों ने क्या किया, सब मिलके एक दिन ऐसा भी हो गया, गुस्सा आ गया उन लोगों को, तो एक इंसान को बोलो पीछा किया और भगा दिया। ऐसा भगाया कि एक घर का दीवार ही तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भूख लगा था, उनके बच्चों जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके पेट भरना था, तो खाने का तलाश में वो ऐसा कर रहा था। अर्ली वन मॉर्निंग वंस दे इवन चेस्ड अ मैन डाउन द फॉरेस्ट रोड एंड ब्रोक अ वॉल ऑफ अ हाउस इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर लिटिल वंस। नॉट फार फ्रॉम द विलेज there was an old granary where the farmers stored their grain till they could sell it to a merchant. Merchant कौन होता है? व्यवसायी, ठीक है, जो किसान से अनाज लेकर बाजार में बेचते हैं। और ये अनाज जो है ये किसान लोग एक जगह जमा करके रखते हैं, ठीक है, उसे ग्रेनरी कहते हैं। एक घर जैसा, एक बड़ा गोडाउन जैसा है, गोदाम है, जहां पर सब अनाज लेके वो लोग जमा रखते हैं, वहीं से वो व्यवसायी को देता है, व्यवसायी लाके वो अनाज लेके बाजार में बेचते हैं, तब जाके किसानों को पैसा मिलता है वो, और वो पैसों से वो अपने घर चलाते हैं, अपने परिवार के पेट भरते हैं। अर्ली वन मॉर्निंग एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ द हर्ड appeared at the granary. तो एक सुबह एक बड़ा सा हाथी आया। ऐसे हाथी बहुत बड़े जानवर होते हैं लेकिन उनके बीच भी जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे ताकतवर रहता है, वो होता है झुंड का लीडर। वो रहता है झुंड का लीडर, ठीक है, वो नेता होते हैं उनके। उनके इशारे पे सभी जो झुंड वाले हैं वो उनका पीछा चलते हैं, वो जो कहता है उनके भाषा में वो लोग सुनते हैं और उनके बात को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो एक सुबह ऐसा हुआ कि एक झुंड का एक लीडर, मतलब देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये लीडर है, ठीक है। हाथी ऐसे आकार में बड़े होते हैं, वही हाथियों से जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे बड़ा ताकतवर हाथी रहता है, वो उनके नेता बन जाते हैं, ठीक है। After looking around for a while, it returned to its herd. Herd हम लोग पढ़े हैं collective nouns में, a herd of cattle, मतलब एक झुंड जो होते हैं, ठीक है। हाथियों का भी झुंड चलते हैं एक साथ, उसमें 10, 20, कभी कभार 50, 60, उससे भी ज्यादा, ठीक है, झुंड बनाकर चलते हैं। तो सभी जो पूरा जो झुंड है एक नेता को
फॉलो करता है, वो उनके पीछे जाते हैं, चलते हैं। आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ व्हाइल इट रिटर्न टू इट्स हर्ड। अ लिटिल लेटर टू मेन हु वेर ऑन देयर वे टू द ग्रेनरी सॉ द हर्ड मूव टूवर्ड्स द ग्रेनरी इन एन ऑलमोस्ट मिलिटरी ऑर्डर। अभी क्या चल रहा है, एक प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा जो नेता हाथी है वो पहले जहां पर वो अनाज को स्टोर करके रखता है ग्रेनरी, ठीक है, वहां पर वो पहले एक बार देख लिया कि आसपास सही है कि नहीं, ये सही मौका है कि नहीं, फिर वो जाकर अपने जो झुंड है उससे बात किया कि चलो भाई मैंने देख लिया है कि आसपास खाली है, अभी सेफ है, चलो। तो ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे, यही दो इंसान देख रहा था दूर से, वो दोनों भी वो जहां पर अनाज जमा करके रखते हैं वो गोदाम, वहीं पर भी वो लोग भी जा रहे थे। वो लोग देख लिया कि हाथी लोग कुछ प्लानिंग कर रहा है, तो हाथी तुरंत अपने झुंड लेके वापस आ गया वो नेता, और मिलिट्री ऑर्डर, मिलिट्री मतलब हम लोग जो सेना में हैं, जो जिसके पापा है ये घर वाले सेना में हैं, तो देखना हमेशा वो लोग एक प्लान करके जाता है, ठीक है। वो लोग बहुत चौकस होते हैं, उनके ट्रेनिंग सॉलिड होते हैं, वो लोग जो भी करेगा, जो लड़ाई में जंग में जब भी जाते हैं तो वो लोग प्लान करके जाते हैं, पहले दो जाएगा उसके बाद चार उसके बाद दस फिर पूरा झुंड है, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो हाथियों भी एक प्लानिंग करके वो लोग सामने जा रहा था, बढ़ रहा था। तो बात ऐसे हुआ कि हाथी अब आ रहे थे, इसके लिए वो गोदाम के लिए। द अलार्म्ड मेन स्पीडिली क्लाइम्ड अ बनियन ट्री एंड हिड देमसेल्व्स अमंग इट्स लीफी ब्रांचेस, दे वॉच्ड द एलिफेंट्स। तो ये दो इंसान जो देख रहे थे ये तुरंत भागे, और अलार्म मतलब क्या, डर के मारे, डर गया कि भाई आ रहा है हाथी लोग, चलो चलो भागो, और ये भाग गया, और एक पेड़ में जो पेड़ में पत्ते पूरे भरे हुए थे उसमें चढ़ के बैठ गए और अपने आप को छुपा लिया और बैठ के देख रहा है कि हाथी लोग करता क्या है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द ग्रेनरी वेर थिक एंड स्ट्रॉन्ग बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव अ प्लान। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट ऑलमोस्ट एज इफ इंस्पेक्टिंग इट। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द हर्ड then took up a position at a corner of the granary and started pounding the wall with its tusks. When it was tired, another took its place and then another till several bricks gave away. तो इससे चलता पता चलता है कि हाथी कितने बुद्धिमान होते हैं। सब मिलके आया, फिर जो सबसे बड़ा था, जो सबसे ताकतवर था, वो एक बार वो गोदाम जो है एक बार घूम लिया वो, ठीक है, पूरा वो घूम लिया वो गोदाम के। क्यों? क्योंकि उसे देखना था कि गोदाम जो है वो काफी मोटा है, उसके दीवार चौड़ा है, ठीक है, सख्त है वो। लेकिन हाथी ढूंढ रहा था एक ऐसा जगह होगा जो थोड़ा सा दुर्बल हो, ठीक है, जिसको वो तोड़ सकते हैं। और टस्क मतलब क्या, उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं, हाथी के दांत आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप लोग गूगल में टाइप कीजिए एलिफेंट विथ टस्क, TUSKS, हाथी के जो दांत होते हैं उनको टस्क कहते हैं। तो बड़ा वाला हाथी जोर जोर से मारने लगा दीवार के, वो गोडाउन के एक कोने का दीवार उसने चुन लिया था और वो मारने लगा बार बार। जब वो थक गया फिर दूसरा आया, जब दूसरा थक गया तो तीसरा आया, ऐसे करके वो लोग मारता ही रहा, ठीक है, अपने जोर जोर से मारता रहा। और क्या हुआ, टिल सेवरल ब्रिक्स गेव अवे। सेवरल ब्रिक्स गेव अवे मतलब जब तक वो दीवार से कुछ ईंटे गिर के टूट के बिखर ना गया, ठीक है, छेदा बन गया दीवार में, तब तक वो लोग मारते रहे। An opening was made and soon enlarged. तो एक होल हो गया दीवार पे, एक छेदा बन गया, और उसको वो लोग
मारता गया जब तक वो बड़ा ना हो गया। कितना बड़ा? जब तक एक हाथी उसके अंदर जा ना सके। When they had made a hole big enough for an elephant to enter, the herd divided itself into groups of three or four, since only a few could find room inside. तो कितने चालाक है देखिए, और कितना ये लोग प्लानिंग से चलता है। ऐसा नहीं कि एक होल हो गया दीवार पे, सभी एक साथ घुस गए खाने के लिए, लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज है, प्लानिंग से काम करते हैं, संगठित है वो लोग। हाथी संगठित है। जैसे ही हाथी जाने वाला एक ऐसा छेदा बन गया दीवार पे, वो लोग अपने आप को भाग कर लिया, किसी में तीन किसी में चार, ऐसा करके वो लोग वेट करता रहा। ठीक है, वो लोग धैर्य से अपेक्षा करता रहा। क्या? जैसा ही छेद हो गया, पहले तीन जाएगा वो लोग खाएगा बाहर आएगा, फिर नेक्स्ट चार जाएगा वो लोग खाएगा बाहर आएगा, ऐसे करते करते पूरा झुंड को खाना भी मिल जाएगा और आपस में कोई लड़ाई भी नहीं होगा। ठीक है, देन वन बाय वन ईच ग्रुप एंटर्ड द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी। पैडी क्या है? जो धान होते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल जो है, राइस, उसके कल्टीवेशन होता है, उसके चास होते हैं। ठीक है, किसान उनके चासाबाद करते हैं, जो किसान होते हैं वो फलन करता है, किस चीज का? चावल का। ठीक है, चाल। तो क्या हो गया, पैडी वो स्टेज है जब जो चाल होते हैं सफेद रंग का, हम लोग जो चाल मतलब उबल के भात खाते हैं, चावल जो हम लोग खाते हैं, उससे पहला वाला स्टेज होता है जब वो धान के अंदर रहते हैं। ठीक है, कवर रहता है चावल के ऊपर, तो वो होते हैं पैडी। तो हाथी को इतना भूख लग गया था, उनके पास खाने के लिए चीज नहीं था, वो जंगल काट काट के इंसान ने खाली कर दिया है, तो वो गोदाम पे हमला बोला और एक सुरंग बनाया, एक छेदा बनाया, और तीन चार बारी बारी वो लोग अंदर जा रहा था और खाना खा रहा था। ठीक है, वन ऑफ द एलिफेंट स्टूड सेंटिनल एट अ डिस्टेंस। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर फुलेस्ट, द सेंटिनल ट्रम्पटेड लाउडली एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। तो एक के बाद एक ग्रुप अंदर गया, खाना खाया और बाहर आ गया। जब तक सभी का खत्म ना हो गया, एक जो है, एक जो सबसे बड़ा था वो खड़ा था सभी के लिए। वो क्यों खड़ा था? वो गार्ड था, वो देख रहा था कि कहीं कोई इंसान आ रहा है या नहीं, कोई देख रहा है या नहीं, ये उसके लिए गार्ड था। तो ये क्या है, ये मतलब केयर है, ये एक दूसरे के लिए सोचना है। वो सबसे बड़ा था, ताकतवर था, इसके मतलब ये नहीं कि वो दौड़ के अंदर गया और अकेले ही खाना खा लिया, नहीं, उसने सभी के लिए व्यवस्था कर दिया कि भाई जाओ तुम लोग एक एक जाओ अंदर, ग्रुप बनाकर तीन चार ग्रुप बनाकर जाओ, खाना खाओ वापस आ जाओ, ताकि सभी को खाना मिल सके। सभी को भूख लगा है तो सभी को खाना भी मिलना चाहिए। और वो अकेला एक खड़ा रहा, देखता रहा कि कोई किसी और से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जब सभी का खत्म हो गया, तो जो सबसे बड़ा था, जो सेंटिनल मतलब प्रहरी, जो खड़ा होकर देखेगा, ये आर्मी, जो आर्मी में रहते हैं, जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स, वो भी यही करते हैं। ठीक है, चारों ओर सेंटिनल्स रहते हैं, संतरी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये लोग गार्ड देते हैं, देखते हैं कि कहीं से कुछ डेंजर तो नहीं आ रहा। अगर उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि डेंजर आ रहा है, तो वो तुरंत जाके खबर दे देते हैं। ठीक है, वॉकी टॉकी में या फिर चिल्लाकर खबर देते हैं, ताकि सभी जो बाकी सैनिक हैं, बाकी जो सोल्जर्स हैं, वो सभी अलर्ट हो जाएं। ऑलराइट, आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर फुलेस्ट, द सेंटिनल ट्रम्पटेड लाउडली। सभी का जब खाना खत्म हो गया, तो जो लीडर था उसने जोर का आवाज लगाया। ठीक है, ट्रम्पेट, हाथी का जो आवाज निकलते हैं, जैसे हम लोग बातें करते हैं, हाथी भी अपने बीच बातें करते हैं आवाज निकलकर, तो ट्रम्पेट जो है वो हाथी का आवाज को कहते हैं ट्रम्पेट। एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट,
याद रखिए कि जो नेता है वो उन लोग को लाए, पूरा प्लानिंग किया, खाना खिलाया, और जब खाना खत्म हो गया, सभी का पेट भर गया, तो उसने एक बार आवाज लगाया जोर से, सभी उसके पीछे पीछे फॉलो करता रहा और वापस जंगल में लौट गए। ठीक है, वाओ ग्रैंडमा, सेड ईशान, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड। तो आर्मी लोग जब किसी दुश्मन के ऊपर धावा बोलते हैं तो ऐसे ही प्लानिंग करके जाते हैं, एक पहले देख के आएगा कि परिस्थिति कैसा है, कोई वॉच में है कि नहीं, दुश्मन की ओर से कोई देख रहा है कि नहीं। अगर उसको लग गया कि हाँ भाई ये जगह अभी हमला करने के लिए ठीक समय है, तो वो लोग आएगा और उसे उस जगह को घेर देगा और फिर हमला करते हैं। हाथी भी वैसे ही एक प्लानिंग करके आया था, खाना खाया, पहले वो जो गोदाम था जहां पर अनाज रखे हुए थे, पैडी रखे हुए थे, वो पहले देख लिया, दीवार का जो सबसे दुर्बल जगह है उसको वो ढूंढ लिया, फिर उसे तोड़कर एक इतना बड़ा होल बनाया, इतना बड़ा छेदा बनाया कि हाथी लोग एक ग्रुप में आए, 3-4 ऐसे करके बारी बारी में वो लोग आए, खाना खाया, अपना पेट भराया, और जब सबका पेट भर गया तो लीडर जो है वो एक बार आवाज दिया और सभी उनके पीछे वापस जंगल चले गए। ठीक है, यस सेड ग्रैंडमा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर्स, ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, वो ख्याल रखता है, प्रोटेक्टिव, वो अपने जो झुंड है, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार हैं, उनको रक्षा करते हैं, एंड कंप्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स टू, कंप्लीटली अनसेल्फिश मतलब वो जो है एलिफेंट्स जो है वो निस्वार्थ होते हैं, वो अपने लिए कम, अपने झुंड में रहने वाले के लिए ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, उनके बीच जो तालमेल है, उनके बीच जो रिश्ता है वो बरकरार रहते हैं, सभी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई मुझे खाना ना मिले ठीक है, लेकिन उसको मिलना चाहिए, वो दूसरा भी तीसरे के लिए यही सोचता है कि भाई मुझे ना मिले उसको मिलना चाहिए, ऐसे करके सभी एक दूसरे के लिए सोचते हैं, ना कि केवल जैसे इंसान, इंसान क्या है, सेल्फिश है, वो अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन हाथी ऐसा नहीं है, वो दूसरे के लिए सोचता है, अपने के लिए वो बाद में सोचता है। तो हम लोगों को हाथी से सीख लेना चाहिए कि ये लोग अनसेल्फिश हैं, निस्वार्थ हैं। तो ये रहा चैप्टर, आप लोग घर में जरूर जोर से रीडिंग पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स जो है वो आपके बुक में ही है, ये सब छोड़कर अगर आपको लगते हैं कि कुछ वर्ड मीनिंग्स और होने से अच्छा होता, तो पढ़ते वक्त रीडिंग जब जोर से पढ़ रहे हैं, एक बार पहले रीडिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से दोबारा रीडिंग पढ़िए, पास डिक्शनरी रखिए, अगर डिक्शनरी आपके पास ना हो तो मोबाइल, मम्मी और पापा को पास बिठाकर मोबाइल लीजिए, गूगल में वो वर्ड मीनिंग सर्च कीजिए और उसके इंग्लिश और हिंदी जो वर्ड मीनिंग है दोनों को आप लिख के रखिए पेंसिल से बुक में, या फिर कोई कॉपी में भी लिख के रख सकते हैं, इससे आपके समझने जो है आपको चैप्टर समझ में भी आएगा, वो वर्ड क्या कह रहा है वो समझ में आएगा, और वो वर्ड के जो स्टॉक है, आप जितने भी वर्ड सीखेंगे नए नए वो आपके फ्यूचर में काम आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, एलिफेंट्स फीस्ट, रिटन बाय सुचंदा सरकार, अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत अच्छे है, इससे आपको बहुत सारे सीख मिलेंगे, हाथी कितने बुद्धिमान है, हाथी एक साथ चलता है और वो निस्वार्थ होते हैं, वो एक दूसरे के लिए ज्यादा सोचते हैं, ना नहीं कि अपने लिए, अपने से ज्यादा वो दूसरे के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ऑलराइट, सो प्लीज स्टडी द चैप्टर, प्लीज लर्न इट, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को जल्द दूंगा, चैप्टर को समझिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी टू माय पर्सनल नंबर, डू स्टडी एट होम एंड लिसन टू योर पेरेंट्स, ऑलराइट, बाय बाय।